अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है विरार से, जहां पर रोड पे गड्ढों को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई और कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग अध्यक्ष समीर सुभाष वर्तक के नेतृत्व में कुछ लोगों ने विरार हाईवे पे स्थित खानेवाड़े टोल नाके पर वहां जाकर टोल नाके से टोल कर्मियों को खदेड़ दिया और पब्लिक जो गाड़ी आती आ रही जा रही है उनको फ्री पास के लिए शुरू कर दिया। ये अभी अभी घटना घटी है, अभी वीडियो को सामने आया है इसके, और इसमें सभी सुभाष वर्तक का ये आरोप है कि रोड पर जब इतने गड्ढे हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस चीज को लेकर कभी गंभीर नहीं है तो रोड टोल टैक्स क्यों दिया जाए। तो वाकई में रोड पर गड्ढों को लेकर जो परिस्थितियां है फिलहाल, उसके बाद में कांग्रेस के इस कदम के बाद में अब सियासी हलचल मच गई है। देखिए आप वीडियो में आगे ये पूरा मामला और सुनिए समीर सुभाष वर्तक को। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। पासून या हायवेला धोकादायक असे खड्डे झालेले आहेत, त्या खड्ड्यांमुळे सातत्याने अपघात घडतायत, लोकांचे जीव जातायत, लोक जायबंदी होतायत आणि मागील अनेक दिवसापासून यांच्या मागे फॉलोअप करून सुद्धा खड्डे बुंजवले जात नाहीयेत। काल आम्ही आलेलो, आज आम्हाला त्यांनी बोलवलं, नॅशनल हायवे अथॉरिटीचा कुठलाही अधिकारी इकडे नाहीये, टोल घेण्यासाठी एक फक्त कॉन्ट्रॅक्टर ठेवलं, त्यांचं काम आहे टोल घेणं आणि ज्यांच्याकडे मेंटेनन्स आहे त्या मेंटेनन्सवाल्यांकडे प्रक्रिया कशी करायची तर त्यांना माहीत नाहीये, स्वतःचं कारण देत आहे, लोकांची जीवाशी खेळ चाललाय। आज आम्ही हा इथे टोल बंद करण्यासंदर्भात त्यांना सूचना केल्या, त्यांनी टोल नाके बंद करायला लावलेले आहेत। तो बंद करा, इथे टोल घ्यायचं नाही, तो बंद करा। चला तुमचा मॅनेजर कोण आहे? सगळे बाहेर काढा, ते सगळे बाहेर काढा। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।